हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि कौन कौन से ऐसे व्यूवर्स है जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। काफ़ी लोग भूल भी गए होंगे या फिर हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं गया होगा। तो मैं डेली यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट रखता हूँ, आप जाके वहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन इन्होंने कमेंट किया है। और एक है यहाँ पे फिदुरन, हो सकता है कि मैंने गलत नाम प्रोनाउंसिएशन कर दिया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एक है यहाँ पे मीम सूत्र ब्रो, ये एक है, और इनका दो कमेंट है यहाँ पे। और एक है टेक वर्ल्ड गेम्स, ये भी हमारे सब्सक्राइबर है और व्यूअर भी हैं, काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस देखते हैं। और एक है यहाँ पे गोपाल ब्लॉग्स, एक है आईटी शॉर्ट्स। तो ये है हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स। और दोस्तों, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो नाम है वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर्स। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे नए सब्सक्राइबर, अगर आप इसमें से हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे कि आप इसमें से हैं या फिर नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, वो कमेंट कर रहे थे कि मुझे 40,000 रुपीज़ के अंदर लैपटॉप चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। कई लोग पूछ रहे थे कि 80,000 के अंदर मुझे एक लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप, तो मुझे कौन सा बेस्ट होगा वो आप बता दीजिए। यहाँ पे RTX 3050 चाहिए, Ryzen 7 चाहिए। और काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मुझे AutoCAD चलाना है या फिर गेम डेवलपमेंट करनी है, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आ गए थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाता हूँ कि सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लैपटॉप को चूज़ किया है, लगभग 6, 7, 8, 10 लैपटॉप है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा और सेल में जो उसकी प्राइस है बिग ब्रांड में वो कितनी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है कि 80K के अंदर कौन से गेमिंग बेस्ड लैपटॉप है उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज फाइनली बना रहा हूँ उस पर, और मैंने काफ़ी पहले भी बनाया था। और एक हमारे और सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतीक फ्री फायर, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रो, मुझे ASUS TUF A15 परचेस करना है, Ryzen 7 चाहिए, 4800H यानी 1 साल पुराना प्रोसेसर है, RTX 3050 वगैरह चाहिए, तो उस पर कितना डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसके बाद जो हमारे एक सब्सक्राइबर है, इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इनका बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एक सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, आपको मैं जैसे बता दूँ कि रेविट वगैरह होता है या AutoCAD, SketchUp, 3DXMax, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन्हें चलाने के लिए इन्हें एक लैपटॉप चाहिए। तो बेसिकली इन्हें RTX 3050 चाहिए या फिर 1650, इन्होंने यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर रखा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जितनी बजट है उसके अनुसार जितने भी बेहतर एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं वो बेस्ट हो सकता है। अब मैं अगर आपको बता दूं कि आपको RTX 3050 करना चाहिए, अगर आपके पास उतना बजट ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपके बजट के अनुसार जो भी एस्पेक्ट्स बेस्ट मिलते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। एक कमेंट और भी किया था यहाँ ASUS TUF A15 का, आपने नहीं बताया, तो मैंने बताया है लेकिन शायद इन्होंने देखा नहीं, तो मैं आज फिर बता दूंगा इसके बारे में। इसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर और है, अभिजीत उम्बारकर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कुछ, मुझे एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए 65K यानी 65,000 इनका बजट है और इन्हें अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि टफ है, टफ भी अच्छा गेमिंग लैपटॉप है, Nitro 5 मिल सकता है, उसमें आपको ROG सीरीज़ वाले लैपटॉप्स भी मिल सकते हैं, Lenovo का आइडिया पैड भी है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी मन करें आप चूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात करते हैं लैपटॉप की। तो ये है कि यहाँ पे MSI की तरफ से मॉडर्न काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस लैपटॉप के बारे में, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। ओक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे मेंशन है लेकिन ये गलत मिसप्रिंट हो चुका है, मीन्स ओक्टा कोर प्रोसेसर नहीं है, हेक्सा कोर या फिर क्वाड कोर है, तो इसके प्राइस जो है अभी थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रही है, लेकिन ये आपको 49,000 में देखने को मिल जाएगा, बैंक डिस्काउंट करेंगे तो और भी कम हो सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे MSI की तरफ से GF 63 Thin, काफ़ी कमेंट आए थे इस लैपटॉप के बारे में, i7th जनरेशन के साथ आता है, 4GB की यहाँ पे रैम है, 1650 Max Q, इसकी प्राइस जो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि रिफेल हो चुकी है, इसकी प्राइस 67,000-8,000 आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये i7 है, i5 होता तो और भी कम हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, Acer Aspire 5, काफ़ी कमेंट आते हैं इसके लैपटॉप से रिलेटेड, तो इसका भी जो प्राइस है वो आप यहाँ पे शो कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं 54,000, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 50 के अंदर जा सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे आप देख सकते हैं ASUS का ROG Strix G15, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, Ryzen 7 के साथ आता है, ओक्टा कोर प्रोसेसर है, 4800H, और इसमें आपको 1650 मिलता है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसकी प्राइस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,000 रिफेल हो चुकी है।
इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है ये मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे एक व्यूअर थे कमेंट किए थे कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग का लैपटॉप चाहिए, तो ये एक बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। और एक और किसी ने कमेंट किया था कि 80,000 के अंदर मुझे बेस्ट लैपटॉप चाहिए, तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि इसकी प्राइस जो है वो अंडर 70 के जा सकती है 75 के, और वही चीज़ यहाँ पे हुई भी, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन काफ़ी बार सही होता है। ASUS TUF Gaming ये जो बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है, इससे अच्छा मैं नहीं कह सकता। Ryzen 7 के साथ आता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लगभग नेक्स्ट लेवल मिलती है, 3050 ग्राफिक्स भी है, और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 83,000, लेकिन ये अंडर 75,000 देखने को मिलता है। तो अगर आप बैंक डिस्काउंट लगाएंगे तो ये 70 के अंदर भी जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे Acer का Aspire 7 i5 10th जनरेशन के ऊपर आता है, इसके लिए भी काफ़ी कमेंट आते हैं। 4GB ग्राफिक्स है, ये भी लगभग आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 के अंदर देखने को मिलेगा, और मैंने पहले भी वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह लैपटॉप 50,000 के अंदर जा सकता है, तो मेरी प्रेडिक्शन इस बार भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सही हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ASUS TUF A17 के बारे में, इसके बारे में भी काफ़ी कमेंट आया था मेरे पास, और ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लगभग सेम मिलती है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RTX 3050 की जगह पे GTX 1660 Ti है, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 1660 Ti जो है वो RTX 3050 से भी बेहतर है काफ़ी मामलों में, तो इसके लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे आपको 6GB ग्राफिक्स मिलती है, 4GB नहीं है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ जो अभी सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे को बता रहे थे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसकी प्राइस जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सेल में इसकी प्राइस काफ़ी कम हो सकती है, और मैं आपको बताऊँ तो ये 75 से 78 के करीब में आ सकती है, मेरा रिस्क के लिए यही प्राइस होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों को अंडर 40,000 लैपटॉप चाहिए था, तो उसके लिए ये एक लैपटॉप है रियलमी बुक i3 के साथ आता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है मैं कहूँ तो, और इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हैं अंडर 40,000 यहाँ पे जा सकती है। और रेडमी बुक एक लैपटॉप था वो भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप था, इसकी भी प्राइस जो है वो आप देख ही सकते हैं 42 है, लेकिन ये लगभग आपको 38,000 जा सकती है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कमेंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए थे, तो हालांकि मैंने काफ़ी कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं, और भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं। और मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जितने भी कमेंट है मैं सारे का रिप्लाई करता हूं, और हो सकता है तो काफ़ी मैं वीडियो भी बना देता हूं डेडिकेटेड, तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चैनल या फिर आपका नाम मेंशन करूं मैं अपने वीडियोस में, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर जब मैं कम्युनिटी पोस्ट रखता हूं वहां पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मैं आपका जो चैनल नेम है वो मैं अपने नए वीडियोज़ में, वो मैं अपने लेटेस्ट वीडियो में आपको मेंशन करूंगा। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ।